शहीद वीर नारायण सिंह नगर कुर्सीपार निवासी विवाहिता चंपा साहू बीते 4 दिनों से अपने ससुराल से लापता है। विवाहिता के साथ एक 4 वर्षीय पुत्री और 2 वर्षीय पुत्र भी है, जिनकी अब तक कोई खबर नहीं मिली है। विवाहिता की मां प्रमिला साहू और भाई उसके लापता होने के बाद से बेहद परेशान हैं। सभी जगह खोजबीन किए जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर मां द्वारा कुर्सीपार थाने में सूचित किया गया है, पर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद मां प्रमिला साहू ने समाज सेवी सुमन फिल के साथ एसपी संजय ध्रुव को आवेदन सौंपा, साथ ही उनकी पुत्री चंपा की बरामदगी के लिए गुहार लगाई है। हम मेरे लड़की के शिकायत के लिए आए हैं कि लड़की कहाँ घूम गए, 4 रोज हो गए लड़की मिल नहीं रहा है। जे दिन के 29 तारीख के गायब है, 12 बजे के गायब है लड़की। इतना तक हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा लड़की। हम थाना भी गए हैं, हम उसके से पूछे कि लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है। ससुराल वाले भी पूछे, ससुराल वाले बोलते कि उधर गए, उधर गए, तैयार होकर गए, वो लड़की वैसे गए है। अब लड़की मिल नहीं रहा है, दोनों बच्चा पकड़ के गए लड़की। और शादी हो गई लड़की, 5-6 साल हो गए जब से गए लड़की, तब से लड़की का इतना ताना दे रहे, इन्हों हमेशा मार पीट करना, गाली गलौज देना, जो दमान है तो दूसरा औरत के चक्कर में बहुत परेशान हुए। सामाजिक भी बैठक हुए, तब भी से हम लोग उसको समझौता किए, तब भी वो समझ नहीं रहा है। वह फिर हम समझा के लड़की भेजे, फिर वही हरकत कर बार बार शिकायत का मौका दे। आज मुझे लड़की निकल गए, 4 रोज हो गए, इतना परिवार के साथ कोशिश कर रहे हैं कि लड़की कहाँ है, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मिल नहीं रहा है लड़की है। क्या पता कुछ का कंडीशन में लड़की पता नहीं चल रहा है। आज सेक्टर 6 की एक निवासी प्रमिला साहू, जिनके पुत्री चंपा साहू, जिनका विवाह आज से 5 साल पहले संपन्न हुआ था। प्रमिला साहू एवं उनके पुत्र जब हमारे पास आकर इसकी जानकारी उपलब्ध कराई कि आज से 4 दिन पहले इनकी पुत्री कहीं चले गई है या इनके साथ कुछ जघन्य घटना भी घट सकती है, जिसके संबंध में कुर्सीपार थाने में जानकारी इनके द्वारा दिए जाना बताया, परंतु एक लिखित शिकायत ना लेने के कारण इन्हें कहीं ना कहीं कार्रवाई से संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ। उसके संबंध में आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जी को इसके संबंध में फ़ोन द्वारा जानकारी दी गई और अतिरिक्त महोदय ने, पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल इस पर ध्यान देते हुए, आवेदन लेते हुए इस पर तत्काल गुमशुदा हुए हो महिला की पूर्ण जानकारी पता करने की आश्वासन दिया गया है। और इस पर हम भी चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन चंपा साहू जो 4 दिन से आज लापता है वो किस हालत में है उसकी तत्काल जानकारी लिया जाए और इनके परिवारों का बयान लिया जाए, क्योंकि इस संबंध में कई बैठक प्रताड़ित के संबंध में साहू समाज के दौरा किया जा चुका है और उनके ससुराल पक्ष को कई बार चेतावनी भी देते हुए कहा गया था कि इनके बच्चे, इसकी महिला जो आज लापता है उसे पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए, परंतु उसके बावजूद जो अवहेलना ससुराल पक्ष के द्वारा किया गया है उस पर कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है।